शहर में चल रही लॉकडाउन के अटकलों के बीच गुरुवार को मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने फेसबुक लाइव कर लोगों से बात की है, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ग्रसितों की संख्या और तेजी से बढ़ती मृत्यु दर से प्रशासन चिंतित है। महापौर नागरिकों से अपील करने के लिए सड़कों पर उतरे और आयुक्त मुंडे भी बाजारों में टहले। परसों नियम उल्लंघनकर्ताओं से 2 घंटे में 4 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया और कार्रवाई का असर कल बाजार में देखा गया। कमिश्नर ने कहा कि एक बार की दुकान में 5 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, जबकि अन्य नियम भी लॉकडाउन के बाद की छूट में लगाए गए हैं, लेकिन दुकानदार, गाड़ी ड्राइवर और सभी को नियमों की ऐसी की तैसी करते देखा। यह ऐसा था जैसे कि कोरोना गायब हो गया हो और लोग मस्त भटक रहे। इन कारणों से कोरोना की घटनाएं बढ़ रही है, मृत्यु दर में भी अधिक वृद्धि हुई है। हालांकि मरने वाले रोगी कंटेनमेंट क्षेत्र से नहीं है, हालांकि जो प्रभावित है इलाज में देरी से आने वाले मरीजों की मौत की संख्या अधिक है। एनएमसी में पर्टिकुलरली मुझे लॉकडाउन करना पड़ेगा और इस बार अगर लॉकडाउन में करूंगा तो सिर्फ लॉकडाउन नहीं रहेगा, वो टोटल कर्फ्यू रहेगा। और टोटल कर्फ्यू मतलब ओनली हेल्थ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के सिवा किसी को भी बाहर घर के आने की जो परमिशन है नहीं मिलेगी, और वो कम से कम 14 या 15 दिन होगा, उसके पहले मैं कम दिन का करूंगा नहीं, क्योंकि उसकी साइकिल ब्रेक करने में हमें मदद होगी। लॉकडाउन अगर करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे फोर्स कर रहे हो, अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी टाइम नहीं गया है, अजून ही वेळ गेलेली नाही आहे। प्रत्येकानं आपलं जर बिहेवियरल चेंज केलं, फक्त मी नागपूर सिटीपुरतं बोलत नाही, प्रत्येकानं प्रत्येक सिटीमध्ये, प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपलं बिहेवियर जर कोविड कंप्लायंट नसेल तर तिथल्या केसेस वाढणारच आहे, ट्रान्समिशन होणारच आहे। अगर घर का कोई व्यक्ती मर जाता है तो वो भी प्रशासन को सूचित नहीं करते, इसलिए अब भी अगर लोग नियम पालन करना शुरू करें तो कोरोना को नियंत्रण में रखा जा सकता है। यदि लोग आगे नहीं आएंगे तो बीमारी की सूचना नहीं देते हैं तो हमने अभी तक जो व्यवस्था स्थापित की है उसका कोई मतलब नहीं। बेड की कोई कमी नहीं है, राज्य के कुछ शहरों में रोगियों की संख्या अधिक और बिस्तरों की संख्या कम है, लेकिन वर्तमान में नागपुर में ऐसी स्थिति नहीं है और निकट भविष्य में भी नहीं बनेगी। 10 से 15 हजार मरीजों के लिए पहले से ही तैयारियां की गई है। अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 समर्पित कोविड केंद्र शुरू किए जाएंगे, इसलिए नागपुर में बेड की कमी नहीं होगी, ऐसा आयुक्त ने कहा। NBC न्यूज के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।